यमुनानगर में गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीच सड़क में कार के बोनट पर शराब पी रहे थे कुछ युवक। बीजेपी के बड़े नेताओं के पोस्टर गाड़ियों के पीछे लगे थे। बीच सड़क पर शराब पीने की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही रोब मारते नजर आए। बार बार पुलिस के कहने पर भी वहां से नहीं हटे युवक। अपने रसूखदारों से जानकारी होने की बात कहते रहे। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। एसपी यमुनानगर का कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला राजनीति से जुड़ा होने के चलते बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मीडिया के सामने आए और कहा कि ऐसे नेताओं के पोस्टर लगाकर अभद्रता करना पूर्णतः गलत है, पार्टी इसकी निंदा करती है। जो भी ऐसा करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा और कानून अपना काम करेगा। देखिए, वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए अभी मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर का है, वो जांच रिपोर्ट करके देंगे, जिसके खिलाफ भी आएगी उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो क्या लीगली क्या एक्शन बनता है, जिस प्रकार से वो युवक वीडियो के जो भी लीगली कार्रवाई बनेगी वो हम जांच रिपोर्ट आने के बाद करेंगे, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए हम पुलिस पेट्रोलिंग उस एरिया में बढ़ाएंगे। तो सर, उन पुलिस अधिकारी से भी बात की जाएगी जो मौके पर थे? हाँ, उनसे भी जो भी जांच में आएगा डीएसपी हेडक्वार्टर की जांच में वो कार्रवाई करेंगे। तो सर, इस तरीके की जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब और ज़्यादा पेट्रोलिंग करेंगे और जो इस तरह की हरकतें कहीं भी होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये चुनाव का समय था, बहुत से लोग कार्यालय में आते हैं, ऑफिस में आते हैं बीजेपी के जो चुनाव कार्यालय है, और वहाँ से स्टिकर, झंडे और अन्य सामग्री, जो प्रचार सामग्री है वो लेके जाते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग चुनाव सामग्री को लेके जाते हैं, स्टिकर लेके जाते हैं, तो पार्टी के पास ऐसा साफ तो नहीं होता भी कौन ले गया कौन नहीं ले गया। उसमें से कुछ नौजवानों ने अपनी गाड़ी पे माननीय चौधरी कंवरपाल जी के स्टिकर लगा लिए, और मैंने भी उस वीडियो को देखा है, उन्होंने अभद्रता की है, शराब पी रहे थे बोनट पर बैठकर, और पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। ऐसा होना उचित नहीं है, और हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है। मेरा आग्रह है सभी ऐसे लोगों से जिन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं, कोई ऐसा काम न करें, अगर कोई ऐसा काम करता पाया गया तो प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा।